हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है एसएन टू रिएक्शन, जो कि ORM 3 का पार्ट 2 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर पार्ट 1 देखिए। तो एसएन टू का मतलब क्या हुआ? यहाँ 2 का मतलब हुआ मोलिकुलरिटी 2, मतलब बाय मोलिकुलर रिएक्शन। तो एसएन टू मतलब बाय मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे आपके पास रिएक्शन है NaOH प्लस CH3Br, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3OH प्लस NaBr। मतलब NaOH में OH माइनस आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और Br माइनस जा रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल से जो है Br माइनस सब्स्टिट्यूट हो गया, तो आपका ये SN2 मैकेनिज्म होता है। तो एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो ये आपके पास OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, CH3Br है, तो OH माइनस अटैक करेगा, तो OH माइनस और CH3 के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा और CH3 और Br का बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा होगा, तो ये बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो Br माइनस निकल जाता है, तो आपका CH3OH प्लस Br माइनस प्रोडक्ट बनता है। SN2 के लिए जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का होना जरूरी है ताकि ये अटैक करे और Br माइनस बाहर हो जाए। जैसे यहाँ पे अगर OH माइनस की जगह H2O रहता तो H2O उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो इस केस में जो है ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, इसका लोन पेयर अटैक करता है, जबकि CH3Br तो SN1 मैकेनिज्म भी शो नहीं करता है, क्योंकि CH3 प्लस जो है उतना स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनता है, तो इसलिए इस केस में SN1 मैकेनिज्म नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि देखिए मैकेनिज्म में आपको कहीं पे कार्बोकैटायन बना हुआ नहीं दिख रहा है, OH माइनस अटैक करता है और Br माइनस बाहर चला जाता है, आपका प्रोडक्ट बन जाता है, तो कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, मतलब कि रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि OH माइनस देखिए अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे जो ये कार्बन है इसका हिंड्रेंस कम होना चाहिए, तभी तो ये और अच्छा से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो हिंड्रेंस भी कम होना चाहिए अटैक करने के लिए, इसलिए CH3Br वगैरह तो कर देता है, लेकिन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो आपका SN2 मैकेनिज्म शो नहीं करता है, जिसे तो ये SN2 मैकेनिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि इस कार्बन पे बहुत हिंड्रेंस है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है, तो ये SN2 मैकेनिज्म शो नहीं करता हिंड्रेंस के कारण। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा हिंड्रेंस रहेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम रहेगा SN2 रिएक्शन का, उतना ही कम टेंडेंसी SN2 शो करने का होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वाल्डन इन्वर्जन एट काइरल सेंटर। तो यदि काइरल सेंटर रहता है तो उस पर इन्वर्जन हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है अपोजिट साइड से अटैक करता है, तो जब अपोजिट साइड से अटैक करेगा तो इन्वर्जन हो जाता है, और इन्वर्जन का मतलब बताए थे कि जिस तरफ Br रहता है उसके अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल एड होता है। ये आपके पास एग्जाम्पल है, अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन NaI ऑब्लिक एसीटोन से करवाते हैं। NaI का मतलब I माइनस न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है NaI, तो ये अटैक करेगा और Br माइनस बाहर हो जाएगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको इसमें डाउट हो सकता है कि जिस तरफ Br है उसी साइड तो I माइनस एड हुआ है, जबकि इन्वर्जन होता है काइरल सेंटर पे, तो अपोजिट साइड एड होना चाहिए था, तो ये अपोजिट साइड ही एड है, आपके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था आयोडीन जो है इस तरफ और हाइड्रोजन इस तरफ, क्योंकि अपोजिट साइड से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल जो है। तो स्टीरियो आइसोमर के टाइम बताए थे कि यदि काइरल सेंटर पे इवेंट स्विच करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, तो इवेंट स्विच कर दीजिए, तो एक बार आयोडीन और हाइड्रोजन को स्विच कीजिए, तो आयोडीन इस तरफ आ जाएगा और हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएगा, तो आयोडीन इस तरफ हाइड्रोजन इस तरफ, और एक बार CH3 और C2H5 को भी स्विच कर दीजिए, तो इथाइल ग्रुप इधर आ जाएगा और मिथाइल ग्रुप इधर आ जाएगा, तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मतलब दोनों आइडेंटिकल है, इवेंट स्विच के बाद कॉन्फ़िगरेशन जो है काइरल कार्बन का चेंज नहीं होता है, मतलब ये दोनों प्रोडक्ट सेम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन्वर्जन का मतलब एक स्विच होना चाहिए, कहीं पे भी एक स्विच, जैसे इस केस में जिस तरफ ब्रोमीन था उसी तरफ आयोडीन को ऐड कर दिए, तो मिथाइल और इथाइल ग्रुप को स्विच कर दीजिए, तो इन्वर्जन हो गया, एक स्विच कहीं पे भी कीजिएगा तो आपका इन्वर्जन हो जाएगा काइरल सेंटर पे, और इवेंट स्विच के बाद आइडेंटिकल रहता है, जैसे ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम है, क्योंकि इसमें अगर इवेंट स्विच कीजिएगा तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एग्जाम में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उसके अनुसार आप टिक मारिएगा, हो सकता है ये दिया हुआ हो ऑप्शन में तब तो सिंपल है कि ब्रोमीन के अपोजिट साइड है, लेकिन दो बार स्विच करके ये वाला भी ऑप्शन दे सकता है, तो ये भी सही होगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो इसमें भी NaI ऑब्लिक एसीटोन, तो I माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो अटैक करेगा और Br माइनस बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से आयोडीन एड हो जाएगा, तो जिस तरफ Br था उसके अपोजिट साइड में आयोडीन एड होगा, बाकी प्रोडक्ट एज इट इज रहेगा, और इस काइरल कार्बन का कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं हुआ है,
ये आयोडीन नहीं, हाइड्रोजन है, क्योंकि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन ही होगा, क्योंकि यहाँ रिएक्शन होगा ही नहीं तो आयोडीन कहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन है और इसका कॉन्फिगरेशन भी चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो ये भी देखिए कायरल सेंटर है और इस केस में आपके पास CH3MgBr है, तो CH3- भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो ये अटैक करेगा और Br- बार होगा, तो फिर से अपोजिट साइड से अटैक होगा और CH3 लग, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे भी आपको एक डाउट हो सकता है कि जिस तरफ से Br था उसी तरफ से मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है CH3-, जबकि इन्वर्जन होना चाहिए। तो जब CH3 अटैच हुआ तो ये कार्बन कायरल बचा ही नहीं, क्योंकि इस कार्बन से दो सेम ग्रुप अटैच है, जबकि कायरल के लिए चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो इस केस में तो ये कार्बन कायरल है क्योंकि चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, लेकिन यहाँ जब CH3 लगा तो CH3 दो सेम ग्रुप हो गया, तो ये कायरल कार्बन ही नहीं बचा, मतलब कि ये ऑप्टिकल आइसोमर शो ही नहीं करेगा। आप इधर लगा दीजिए या इधर लगा दीजिए, आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनेगा। अगर CH3 ऐसे भी लिखिएगा तो ये दोनों सेम प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कन्फ्यूज नहीं होना है कि आंसर में तो ये वाला दिया हुआ है। जब दो CH3 लग गया तो इसका मिरर इमेज जो बनेगा वो भी आपका आइडेंटिकल ही बनता है, क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो गया, इसमें POS प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बनाइएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है कि इन्वर्जन का मतलब हमेशा इन्वर्जन ही होगा। जब कायरल बनेगा तब ना इन्वर्जन का कोई मतलब रह जाता है, जब प्रोडक्ट ही कायरल नहीं बनेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में मिरर इमेज रहे या कुछ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों आइडेंटिकल ही रहता है ऑप्टिकली इनएक्टिव का, उसका मिरर इमेज और वो खुद, तो इसलिए इस केस में इन्वर्जन का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। तो रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है NO2, CN और CO, मतलब कि यदि ये तीनों ग्रुप अटैच रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, यदि NO2 अटैच है या CN अटैच है या CO ग्रुप अटैच है। इसके बाद नेक्स्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हिंड्रेंस, मतलब जितना हिंड्रेंस रहेगा उतना ही रिएक्शन स्लो होगा, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा हिंड्रेंस रहेगा इस कार्बन पे तो न्यूक्लियोफाइल को उतना ही रिपल्सन फील होगा अटैक करने में, तो उतना स्लो रिएक्शन होगा, तो इसलिए हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी और लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो जितना ज्यादा लिविंग ग्रुप एबिलिटी रहेगा, मतलब जितना जल्दी ग्रुप को लीव करने का टेंडेंसी रहेगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, और न्यूक्लियोफिलिसिटी जितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज्यादा अटैक करने का टेंडेंसी रहेगा तो उतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और लिविंग ग्रुप एबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आपके पास एग्जांपल है HC डबल बॉन्डो CH2Br, CH3CH2Br, CH3OH और ये पूरा भारी भरकम ग्रुप, तो रेट ऑफ रिएक्शन बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखिए सी डबल बॉन्डो ग्रुप अटैच है तो सबसे फास्ट रिएक्शन तो इसी का होगा, तो सबसे ज्यादा ये, और इस केस में सबसे स्लो रिएक्शन होगा क्योंकि ये जो कार्बन है इसके इर्द गिर्द बहुत बड़ा ग्रुप अटैच है, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में बहुत रिपल्सन फील होगा, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करना नहीं चाहेगा, तो सबसे स्लो रिएक्शन इस केस में होगा। अब इन दोनों में CH3CH2Br और CH3OH, तो देखिए इस केस में आपका Br- है और इस केस में OH- है। Br नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू OH-, ये हम लिविंग ग्रुप के टाइम बताए थे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ता है एनायन का, इसलिए OH- से ज्यादा स्टेबल होगा F-, मतलब F पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, और डाउन द ग्रुप जाने पे भी स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो F- से ज्यादा स्टेबल Cl- और Cl- से ज्यादा स्टेबल Br-, तो OH- से तो स्टेबल होगा ही Br-, मतलब Br पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी Br का ज्यादा है एज कम्पेयर टू OH-, तो इसलिए ये जल्दी लिव कर जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इस केस में फास्ट होगा। ये आपका ऑर्डर है रेट ऑफ रिएक्शन का, सबसे स्लो होगा इसका क्योंकि हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है ये भारी भरकम ग्रुप के कारण, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, तो इसमें बताना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें तो लिविंग ग्रुप सेम है तो हिंड्रेंस देखेंगे, तो यहाँ 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो सबसे कम हिंड्रेंस इसी में होगा 1 डिग्री में, और 2 डिग्री में थोड़ा ज्यादा होगा और 3 डिग्री में सबसे ज्यादा हिंड्रेंस होगा, तो सबसे फास्ट रिएक्शन थर्ड होगा, फिर सेकेंड और फिर फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, तो आपके पास CH3Br है और ये न्यूक्लियोफाइल है फर्स्ट ट्राई इथाइल एमीन, तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो K1 है,
अब ये जो ट्राईथाइलेमीन है, इसमें से ये तीनों कार्बन को जो है बॉन्डिंग से एक दूसरे को कनेक्ट कर दिए, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन K2 है, तो बताना है K1 और K2 में क्या रिलेशन होगा, कौन सा रेट फास्टर होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा इन दोनों में, ट्राईथाइलेमीन और इसमें, तो जब न्यूक्लियोफाइल टॉपिक बताए थे ORM1 में, तो उस टाइम बताए थे कि ये जो है इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होता है इससे जब बॉन्डिंग हो जाएगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये बॉन्डिंग में नहीं है तो फ्लिपिंग होता है, फ्लिपिंग होता है तो लोन पेयर ऊपर मतलब आगे पीछे होगा, ये लोन पेयर अभी इस तरफ है तो इस तरफ आ जाएगा और तीनों इथाइल ग्रुप जो है इस तरफ आ जाता है, तो फ्लिपिंग के कारण ये लोन पेयर उतना अच्छा से अटैक नहीं कर पाता है। लेकिन इस केस में जब इसको बॉन्ड से जोड़ दिए इन तीनों कार्बन एटम को, तो लोन पेयर फ्लिपिंग नहीं होगा, क्योंकि फ्लिपिंग के लिए बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है, तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो फ्लिपिंग नहीं होगा, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा रहता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी के। तो K2 greater than K1। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल तो सेम ही रखे हैं, NaOH मतलब OH- न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन रिएक्टेंट्स अलग अलग है। तो इस केस में आपका लिविंग ग्रुप है CH3SO3- I- और Br-, तो रेट ऑफ रिएक्शन बताना है किस केस में क्या होगा। तो देखिए, जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना फास्टर रेट होगा, तो यहाँ पे CH3SO3-, ये आपका लिविंग ग्रुप है, उसके बाद फिर I- और फिर Br-। तो SO3- ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, ये तीनों ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में है, ये तीन तीन ऑक्सीजन के साथ स्टेबलाइज होगा, तो सबसे स्टेबल यही बनेगा, तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप तो यही है SO3- के रेजोनेंस के कारण। उसके बाद फिर I-, क्योंकि I पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा ब्रोमीन के कंपेयर में, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप का एलिमेंट है, और डाउन द ग्रुप जाने पे नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो I-, उसके बाद फिर Br-। तो फर्स्ट का रेट सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, क्योंकि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ये है, फिर I- है, फिर Br- है। इसके बाद नेक्स्ट है NO SN2, मतलब ये चार एग्जाम्पल जो है ये SN2 शो नहीं करता है। अब इसका रीजन जानेंगे कि क्या होगा। तो इस केस में तो देखिए, ब्रोमीन जो है डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, मतलब बेंजीन रिंग के साथ। सिमिलरली ये विनाइलिक ब्रोमाइड जो है, ये भी ब्रोमीन का लोन पेयर कंजुगेशन में है डबल बॉन्ड के साथ। तो जो रीजन हम SN1 के टाइम दिए थे, सेम रीजन यहाँ पे भी होगा कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर शो करता है, ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड, तो ये दोनों SN2 शो नहीं करेगा। तीन रीजन इसमें सेम है जो SN1 के टाइम दिए थे, बस फोर्थ रीजन हट जाएगा बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल के टाइम, क्योंकि कार्बोकेटायन नहीं बनता है SN2 मैकेनिज्म के टाइम, तो अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल के टाइम रीजन नहीं होगा। बाकी तीन रीजन एज इट इज है जो SN1 के टाइम दिए थे। नेक्स्ट इसमें देखिए, तो यहाँ पे तो कार्बोकेटायन सेम को मतलब ही नहीं है, लेकिन इस केस में ब्रिज हेड पोजिशन पे ब्रोमीन जब अटैच रहेगा तो इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तीनों बॉन्ड अटैच्ड है, इन्वर्जन के लिए बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, तभी तो ये तीनों बॉन्ड प्ले करेगा, तो यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो सकता, इसलिए SN2 मैकेनिज्म शो नहीं करेगा ब्रिज हेड अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट ये देखिए, 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री होने के कारण इतना ज्यादा हिंड्रेंस हो जाता है कि ये SN2 मैकेनिज्म शो नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है, तो इसमें देखिए Br जो है 1 डिग्री से अटैच्ड है, फिर भी ये बहुत स्लो या फिर ऑलमोस्ट नो रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि इससे जो ये ग्रुप अटैच है 3 डिग्री कार्बन, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इसके कारण बहुत हिंड्रेंस होता है, तो इससे भी लगभग ना के बराबर ही रिएक्शन होता है SN2, तो ऑलमोस्ट नो रिएक्शन होता है इस पर, जबकि ये 3 डिग्री है, इसी से अटैच है, तो 3 डिग्री पे तीन तीन मिथाइल ग्रुप के कारण बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है, तो ये तो SN2 शो ही नहीं करता है। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि ये दोनों तो ना तो SN1 करता है ना SN2 करता है, और ये SN2 नहीं करता है, और ये आपका 3 डिग्री SN2 नहीं करता है, और CH3Br जो है वो SN1 नहीं करता है, क्योंकि कार्बोकेटायन जो बनेगा वो स्टेबल ही नहीं बनता है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई +I या +M नहीं है, तो इसलिए ये SN1 नहीं करता है, SN1 मैकेनिज्म शो नहीं करेगा। तो अब जो है कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं SN2 का। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो इसमें आपके पास ये रिएक्टेंट है, इसका रिएक्शन सबसे पहले NaOH के साथ करवाते हैं, 1 इक्विवेलेंट है, उसके बाद BrCH2 होल 4 Cl, उसके बाद फिर NaOH से करवाते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा।
तो सबसे पहले देखिए NaOH बेस है, वन इक्विवेलेंट। और इस हाइड्रोजन के बारे में बहुत बार बता चुके हैं कि ये एक्टिव मेथिलीन होता है, और इसको ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो जाए, लेकिन वन इक्विवेलेंट दिया हुआ है मतलब एक ही एसिडिक हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा, तो एक एच प्लस चला जाएगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये फर्दर बी आर सी एच टू होल फोर सी एल पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखिए बी आर भी हट सकता है, सी एल भी हट सकता है, लेकिन जो अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा वही हटेगा। तो बी आर माइनस और सी एल माइनस में ज्यादा स्टेबल बी आर माइनस होता है, तो बी आर माइनस हटेगा और ये निगेटिव चार्ज यहाँ से अटैच होगा, तो ये आपका एस एन टू मैकेनिज्म होगा। तो इस तरह से इस निगेटिव चार्ज से सी एच टू होल फोर सी एल एड हो जाएगा, तो सी एच टू होल थ्री सी एच टू मतलब सी एच टू होल फोर और फिर सी एल। अब फिर एन ए एच, तो एन ए एच फिर से बेस है, तो यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन तो बचा हुआ है क्योंकि एक ही का रिएक्शन हुआ है, तो ये फर्दर रिएक्शन कर लेगा बेस के साथ, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये निगेटिव चार्ज अटैक करता है तो सी एल माइनस चला जाता है, तो इस केस में इंट्रा एस एन टू कहलाएगा ये। इंट्रा मतलब विद इन द मोलिक्यूल, तो मोलिक्यूल में ही हो रहा है, विद इन द मोलिक्यूल हो रहा है, इस केस में बिटवीन टू मोलिक्यूल हो रहा है ये सब जो रिएक्शन है, तो ये इंट्रा नहीं कहलाता है, ये इंट्रा एस एन टू कहलाएगा। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो ये फाइव मेंबर्ड का रिंग बन जाता है, वन प्लस थ्री प्लस वन तो फाइव मेंबर्ड है। और इस कार्बन से दो सी डबल बॉन्डो सी एच थ्री ग्रुप अटैच्ड है, तो फाइव मेंबर्ड रिंग, और इससे सी डबल बॉन्डो सी एच थ्री होल टू मतलब यहाँ से सी डबल बॉन्डो सी एच थ्री का दो ग्रुप अटैच्ड है। ये जो स्ट्रक्चर है ये और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम ही है, दोनों को बस रिप्रेजेंट अलग तरीके से किए, इसमें होल टू लिख दिए या फिर दो बार आप सी डबल बॉन्डो सी एच थ्री इस कार्बन से अटैच कर दीजिए, बात बराबर ही है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फिनॉल है प्लस ई टी बी आर और ई टी ओ के, तो ई टी ओ के एक्सेस में है, तो एक्सेस में है, अब बोल रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो देखिए ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन, ई टी ओ माइनस बेस होता है स्ट्रोंग बेस, और ये न्यूक्लियोफाइल भी है, तो एक ई टी ओ माइनस यहाँ अटैक करेगा बी आर माइनस बाहर, दूसरा ई टी ओ माइनस जो है एसिडिक हाइड्रोजन के साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा, तब आपके पास फिनोक्साइड आयन बनेगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये फर्दर अटैक करेगा तो बी आर माइनस, तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेगा, एक बार तो ई टी ओ माइनस अटैक करे तो ई टी ओ ई टी बनेगा, मतलब बी आर के जगह ओ ई टी एच होगा। और सेकेंड प्रोडक्ट है कि ई टी ओ माइनस जो है एसिड के साथ रिएक्शन करे तो फिनोक्साइड आयन बनेगा, फर्दर फिनोक्साइड आयन अटैक करेगा तो ई टी ओ पी एच मतलब पी एच ओ ई टी प्रोडक्ट बनेगा। तो इस केस में तो दो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन यदि ई टी ओ के वन इक्विवेलेंट रहेगा तो इस केस में आपका यही प्रोडक्ट बनेगा सिर्फ पी एच ओ ई टी। तो ऐसा क्यों? तो देखिए ई टी ओ माइनस जो है बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, लेकिन हमेशा एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बेस को जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगा तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करके तो ये तो साल्ट बना लिया, तो एक इक्विवेलेंट था तो खत्म हो गया, अब आपके पास सिर्फ पीएचओ माइनस फिनोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल के रूप में बचा है, तो ये अटैक करेगा और बी आर माइनस बाहर होगा, तो आपके पास ई टी ओ पी एच प्रोडक्ट बनेगा। इस केस में दोनों इसलिए बन रहा था क्योंकि ये एक्सेस में था, एक्सेस में था तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद भी बच गया, तो ई टी ओ माइनस अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है और फिनोक्साइड आयन भी बन गया एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद, तो फिनोक्साइड आयन फर्दर अटैक करेगा, तो इसलिए दोनों प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ईटीओ माइनस का ज्यादा होता है फिनोक्साइड आयन से, और ये एक्सेस में है। ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि फिनोक्साइड आयन में जो माइनस चार्ज है ऑक्सीजन का वो बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो इस केस में आपके पास सी एच थ्री एम जी बी आर है, तो सी एच थ्री माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो अब जो है ये दो जगह अटैक कर सकता है, एक तो कार्बोनिल पे और दूसरा ये अल्काइल ब्रोमाइड पे, लेकिन कार्बोनिल पे आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमेशा फास्टर होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, मतलब कि इस केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो पहले सी एच थ्री माइनस अटैक करेगा तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम बता चुके हैं ओ आर एम वन में, तो आप डिटेल में वहां पे देख सकते हैं। तो सी एच थ्री अटैक किया और ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया, तो यहाँ से सी एच थ्री अटैच होगा और ये ओ माइनस बन जाएगा। अब ये फर्दर न्यूक्लियोफाइल ही है, ये अटैक करेगा तब जाके बी आर हटेगा, इस केस में आपका
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, तो आपका यहाँ से एक क्लोज्ड चैन बन जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 फोर कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा, और ऑक्सीजन के बाद वाला कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड है, तो ऑक्सीजन के बाद वाले कार्बन से 2 CH3 ग्रुप अटैच कर दीजिए, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ है, तो इसमें NaOH 1 इक्विवेलेंट है, तो 1 इक्विवेलेंट है, तो इस केस में देखिए ये एसिडिक हाइड्रोजन है और यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो जहां भी एसिड बेस रिएक्शन हो तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन ही होगा क्योंकि ये सबसे फास्ट रिएक्शन होता है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा तो H प्लस जो है चला जाएगा बेस के साथ रिएक्शन करके, तो S माइनस बन जाएगा, तो S माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और Br बाहर हो जाएगा, तो इस कार्बन और सल्फर के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट होता है। तो इस केस में देखिए यहाँ से कार्बन और सल्फर के बीच में बॉन्ड बन गया, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि ये 6 मेंबर्ड का रिंग बना लीजिए, ये देखिए 6 मेंबर्ड का रिंग इस तरह से बना दिए। अब एक दूसरे के अपोजिट साइड में दोनों का दोनों एटम है सल्फर और ये जो कार्बन है, तो यहाँ से एक कार्बन और यहाँ से एक सल्फर और ये दोनों अटैच कर दीजिए, तो कार्बन को तो हम डिनोट ना भी करें तो चलेगा, तो यहाँ से बॉन्ड को इस तरह से टर्न किए और यहाँ सल्फर के साथ कनेक्ट कर दिए और इस बॉन्ड से, तो यहाँ से देखिए ये कार्बन है फिर ये इस तरह से। अब इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दोनों सेम ही है, ये जो पॉइंट है ना इसको आप खींच दीजिए, ऐसा खींचिए कि ये वाला बॉन्ड ऐसे हो जाए और ये वाला बॉन्ड जो है ये ऐसे हो जाए, तो ये यहाँ से इस तरह से बॉन्ड कनेक्ट हो गया और सल्फर और ये जो बॉन्ड है ये इस तरह से ऐसे हो जाएगा, तो सल्फर और ये इस तरह से, और सल्फर से एक कार्बन है फिर ये अपोजिट तरफ कार्बन से अटैच्ड है, तो सल्फर से एक कार्बन और ये अपोजिट तरफ 6 मेंबर रिंग कार्बन से अटैच्ड है, तो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम ही है, बस आप थोड़ा सा खुद से करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, दोनों आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये बोल लीजिए या इसको बोल लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।